दोस्तों, मैं सतीश कुमार कलसी फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वी मेक होम में। तो फ्रेंड्स, आज आपके सामने मैं 3BHK बिल्डर फ्लोर लेके आया हूं, जो कि हमारा स्टेटेड है लक्ष्मी विहार मोहन गार्डन उत्तम नगर में। इसकी पहले मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो हमारा इजी द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से आपका इजी कनेक्टिविटी है। इसमें आपका अपोलो रोड, जैन रोड, रामा पार्क रोड, पीपल रोड, कहीं से भी आप इस फ्लैट में इजी आ सकते हैं। मेट्रो कनेक्टिविटी की बात करूं तो यहां से मेट्रो का डिस्टेंस जो रहेगा सिर्फ आपका 700 मीटर रहेगा, और वॉकिंग आपका 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 3BHK बिल्डर फ्लोर रहेगा और इसमें हम आपको लिफ्ट दे रहे हैं, और ये फ्रंट का रहेगा हमारा, फेसिंग इसकी हमारी रहेगी नॉर्थ फेसिंग। और ये जो बिल्डिंग है, अभी मैं बता दूं आपको, 183 स्क्वायर यार्ड में हमारी बिल्डिंग है, जिसको हमने 2 फ्लैट्स में डिवाइड किया है। फ्रंट साइड पे 80 स्क्वायर यार्ड का, और सुपर एरिया उसका रहेगा 85 स्क्वायर यार्ड। बैक साइड में हमने 53 स्क्वायर यार्ड का 1BHK बनाया है, और 58 स्क्वायर यार्ड उसका सुपर एरिया रहेगा। तो अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूँ 80 स्क्वायर यार्ड का, 85 स्क्वायर यार्ड सुपर एरिया का जो फ्लैट दिखा रहा हूँ 3BHK का, तो फ्रेंड्स, इसकी कनेक्टिविटी मैंने आपको बता दिया है। इजी आपको ई रिक्शा, आपकी कैब्स फैसिलिटीज़ सब इजी मिल जाती है आपको। लोन फैसिलिटी रहेगी, और 3BHK बिल्डर फ्लोर रहेगा। और अगर जो फ्रेंड इसमें रूफ़ राइट लेते हैं, जो टॉप फ्लोर लेंगे उसमें रूफ़ आप उनको राइट मिलेगा। मैं इससे पहले आपको एलिवेशन दिखाऊंगा और फ्लैट्स दिखाऊंगा, तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बिल्डिंग के सामने खड़ा हूं, आप देख सकते हैं बिल्डिंग की एलिवेशन एक बार दिखा दीजिए आप। पूरी बिल्डिंग में टाइल्स लगी हैं फ्रंट में एलिवेशन में, और फास्टनर से इसको टाइट किया गया है, जिससे कि आपकी टाइल्स कभी भी गिरेगी नहीं। और फ्रंट में एलिवेशन काफ़ी खूबसूरत दी गई है, स्टील की रेलिंग लगाई गई है। और रोड से एक बार दिखा दीजिए, काफ़ी चौड़ी रोड रहेगी, और इस तरफ भी दिखा दीजिए। कनेक्टिविटी आपकी मैंने आपको बताया, जैन रोड, अपोलो रोड, आपका रामा पार्क रोड, पीपल रोड, शीशा गदाम रोड, सभी से आपकी कनेक्टिविटी इस फ्लैट की रहेगी। और इस फ्लैट का फ्रंट जो रहेगा 18 का फ्रंट रहेगा, तो टोटल ही हमने इसमें जो है इसमें काफ़ी बड़ा गेट लगाया है, और मीटर का सेक्शन आपका ये बाहर है। तो फ्रेंड्स, अब ये हमारी पार्किंग रहेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूरी पार्किंग रहने वाली है फ्रेंड्स। और पार्किंग में भी मैं आपको दिखा दूं, हमने 4 फीट हाइट तक आपकी टाइल्स यूज़ की है, इससे आपकी मेंटेनेंस फ्री रहेगी। और जो रूफ़ में भी अब आपका हमने लाइट्स दी गई है, LED लाइट्स, और नीचे जो आपका फर्श में है आपका कोटा पत्थर रहेगा। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं पार्किंग आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी बड़ी पार्किंग है। इस तरफ हमारे स्टेयर्स रहेंगे, हमारी लिफ्ट रहेगी, और स्टेयर्स के नीचे आपका MCD वाटर्स का सेक्शन रहेगा, जिसमें आपकी मोटर और मीटर यहाँ लग जाएंगे। तो इसमें 2 साइड ओपन है फ्रेंड्स, 183 स्क्वायर यार्ड का ये प्लॉट रहेगा, 2 साइड ओपन। बैक साइड में 10 फीट की रोड रहेगी, इस तरफ भी पूरी पार्किंग है। बैक साइड में हमने एक जाल दे रहे हैं, एक आपका एक छोटा गेट भी दे रहे हैं, जिससे आप आ जा सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने फ्लैट्स की तरफ। आप स्टेयर्स में देख सकते हैं ग्रेनाइट पत्थर लगाया गया है, आपकी स्टील रेलिंग है। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपने फ्लैट्स की तरफ, और जैसे ही हम फ्लैट्स की तरफ आएंगे एंट्री करने पे, ये हमारी सामने की तरफ लिफ्ट रहेगी। लिफ्ट हमारी वर्किंग है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी लिफ्ट रहेगी, ये आप देख सकते हैं लिफ्ट हमारी। और अब मैं आपको बता देता हूं कि ये
इस तरफ हमारा 85 स्क्वायर यार्ड का फ्लैट रहेगा, जिसकी एंट्री हमारी नॉर्थ फेसिंग रहेगी, और एक हमारा 53 स्क्वायर यार्ड का ये फ्लैट्स रहेगा 1 BHK का, इसकी फेसिंग है हमारी आपका सन फेस की रहेगी। तो पहले मैं आपको 85 स्क्वायर यार्ड का दिखाऊंगा, और उसके नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में मैं आपको 53 स्क्वायर यार्ड का दिखाऊंगा। ये हमारी M3 बॉक्स रहेगा, बेल का सेक्शन रहेगा, और ये हमारी एंट्री रहेगी। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम एंट्री करेंगे तो हम अपने ड्राइंग रूम में आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ड्राइंग रूम रहेगा, और इसकी डायमेंशन जो रहेगी 12x10 का ये आपका ड्राइंग रूम रहेगा। और इस तरफ सामने की तरफ आपका वॉलपेपर यूज़ किया गया है, और रूफ़ में आपका फॉल सीलिंग लाइट्स, ब्लू कलर की कॉप लाइट्स। और उसके अगर ये हमारा ड्राइंग रूम में, ये आप कॉर्नर एक बार दिखाइए, ये स्पेस जो रहेगा आपका, इसमें एल कॉर्नर का आपका सोफ़ा इजी लग जाएगा। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी स्पेस है यहाँ पर, आपका सोफ़ा लग जाएगा। और सामने की तरफ ये LED पैनल है, जिसमें आपका हमने वुडन से आपका कवर कर दिया है, इसमें डेकोरेटिव कुछ रख सकते हैं आप सामान। और इस तरफ अभी एक वॉलपेपर अलग से लगेगा जो कलरफुल यूज़ करेंगे जिसमें। और ये आपका पावर पॉइंट दे दिया गया है, और ये हमारा इंटरकॉम रहेगा, इससे आप यहीं से आप नीचे गेट खोल सकते हैं और किसी से बात भी कर सकते हैं आप। तो ये हमारी एंट्री थी। ओवरऑल मैं अब यहाँ ड्राइंग रूम में खड़ा हूँ, तो लेफ़्ट साइड में मेरे 2 बेडरूम रहेंगे, एक किचन और एक वॉशरूम रहेगा। और राइट साइड पे मेरा एक वन रूम रहेगा, प्लस इसमें एक कॉमन वॉशरूम रहेगा। तो अभी मैं चलता हूँ, आपको पहले ड्राइंग रूम के साथ एक कॉमन वॉशरूम दिखा देता हूँ। और इसकी डायमेंशन 4x7 का 7x4 का ये आपका वॉशरूम रहेगा। इसमें भी आपका शॉफ्ट दी गई है वेंटिलेशन के लिए, आपका एग्जॉस्ट यहाँ लग जाएगा। ये हमारा गीज़र पॉइंट रहेगा, सीट्स रहेगी, एक शावर रहेगा, ये आपकी टैब्स, और एक वॉश बेसिन में नीचे आपका ये एक कबर्ड दे रहे हैं सामान रखने के लिए। और जो टाइल्स है वॉल टू वॉल यूज़ की गई है, और रूफ़ में भी हमने फॉल सीलिंग यूज़ की है, प्लस आपका लाइट्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक कॉमन वॉशरूम था। अब मैं पहले बेडरूम आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट बेडरूम ये रहेगा, और 12x10 का ये हमारा बेडरूम रहेगा। रूफ़ में पहले आप दिखाइए फॉल सीलिंग, और इसमें लाइट्स, ब्लू कलर की लाइट्स। इसी के सामने की तरफ हमने एक वॉलपेपर, ये वॉलपेपर लगाया गया है, और इसमें आपको अलमीरा मिल रही है, ये हमारी। अंदर की तरफ भी आपका माइका लगाया गया है, और ये हमारी एक ड्रॉअर रही है। ये एक अलग सेक्शन अलग से बनाया गया है इधर। और इसमें जो टाइल्स यूज़ की है, विट्रीफाइड टाइल्स, ग्लोसी कलर, क्रीम कलर की यूज़ की गई है। और ये जो बेडरूम है, अगर आप इसमें AC लगाना चाहते हैं तो आपको स्प्लिट AC का प्रोविज़न यहाँ मिलता है। आप डोर भी देख सकते हैं, 8 फीट हाइट के डोर हैं, और माइका जो यूज़ किया गया है कॉम्बिनेशन वाइट और वुडन कलर का कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। और हमारे ड्राइंग रूम में भी अगर आप AC लगाना चाहते हैं तो आपका स्प्लिट AC का प्रोविज़न यहाँ दिया गया है। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। ये हमारा सेकंड बेडरूम रहेगा, डायमेंशन इसकी रहेगी 12x9 का ये बेडरूम रहेगा, सेकंड बेडरूम रहेगा। अगेन इसमें हम आपको फॉल सीलिंग दे रहे हैं, लाइट्स, कॉप लाइट ब्लू कलर की, एक आपको वॉलपेपर मिल रहा है, ये आपको एक शॉफ्ट में विंडो दे रहे हैं, ऊपर की तरफ आप विंडो AC लगा सकते हैं, पावर का आपका पॉइंट यहाँ पे दे रहे हैं, एक पॉइंट आपको यहाँ मिल रहा है, ये आपकी शॉफ्ट रहेगी।
काफ़ी स्पेशियस है। और इस तरफ आपको अगेन एक अलमीरा, और फ्लोरिंग में हमारा विट्रीफाइड टाइल्स, ग्लोसी विट्रीफाइड टाइल्स रहेगी। और अब ये एक गैलरी से होते हुए मैं आऊँगा अपने किचन की तरफ। तो किचन स्पेस काफ़ी अच्छा रहने वाला है और काफ़ी कलरफुल, अच्छा कॉम्बिनेशन किया गया है। वाइट और कैमल कलर में ये किचन रहेगा। और किचन में मैं दिखा देता हूँ, पहले काफ़ी स्पेस रहने वाला है, इजी आपका जो भी स्टोरेज है हो जाएगी। पहले मैं पत्थर की बात, ग्रेनाइट पत्थर यूज़ किया गया है। और इसमें चिमनी आपको ये मिल रही है। स्टोरेज की बात करूँ तो काफ़ी स्टोरेज है इसमें, मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टोरेज में इसमें काफ़ी स्टोरेज है जिसमें आप इजी अपना सामान रख सकते हैं। ये सेक्शन जो रहेगा इसमें आप अपने वैट, आपके गीले बर्तन भी रह सकते हैं, प्लस आप इसको हटा के आरओ भी फिट करा सकते हैं इसमें, अगर आप आरओ कराना चाहते हैं। ये हमारी सिंक रहेगी, और इस तरफ एक आरओ की आपकी टैब है, एक डायरेक्ट वाटर और एक हॉट और एक कोल्ड वाटर की आपकी ये रहेगी सिंक में। और नीचे जो है ये भी आपका चैनल दिए गए हैं, इजी आपका स्टोरेज हो जाएगी, काफ़ी स्पेस है। और फ्रेंड्स काफ़ी स्पेस मिल रहा है इसमें। और टाइल्स वर्क किया गया है इसमें, वाइट टाइल्स लगाई गई हैं, आपका पूरे किचन में टाइल्स लगाई गई है। सामने की तरफ 20 फीट गली है जिसमें कि वेंटिलेशन निकल रही है, ऊपर आपका एग्जॉस्ट लग जाएगा, चिमनी आपकी लगी हुई है। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपना थर्ड बेडरूम की तरफ। ये हमारा थर्ड बेडरूम रहेगा, मास्टर बेडरूम रहेगा। इसमें अटैच आपको वॉशरूम और अटैच एक बैल्कनी मिलेगी। सामने की तरफ हमारा अगेन आप एक वॉलपेपर रहेगा। रूफ में आपका फॉल सीलिंग में आपका लाइट्स और कॉप लाइट्स ब्लू कलर की। और ये हमारा एक कॉमन वॉशरूम में आपका शावर, टैप्स, एक वॉश बेसिन, गीज़र पॉइंट और एक सीट्स। टाइल्स हमारी वॉल टू वॉल यूज़ की गई है। और इस तरफ एक वेंटिलेशन जा रहा है जिसमें आप एग्जॉस्ट लगा सकते हैं। और अब हम चलते हैं अपने बैल्कनी की तरफ। हमारी इस तरफ बैल्कनी है और ये हमारी विंडो रहेगी। आप अपना विंडो एसी यहाँ फिट करा सकते हैं। आपका पावर पॉइंट एक यहाँ दे दिया है, प्लस आप एक यहाँ भी पावर पॉइंट दे दिया है। अगर कूलर आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये हमारा रहेगा बैल्कनी का स्पेस। और इस स्पेस में ये हमने इस तरफ जो स्पेस है आपका वॉशिंग एरिया बन सकता है, इसमें भी पावर पॉइंट दे दिया है, एक आपकी टैप्स दे दी है। और बैल्कनी हमारी आपका 11 फीट की रहेगी ये हमारी, और स्टील रेलिंग यूज़ की गई है। और रोड्स मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले, एक बार आप फिर दिखा दीजिए। इस तरफ भी दिखा दीजिए। इस फ्लैट्स में आने के लिए कनेक्टिविटी की आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इजी आपकी कनेक्टिविटी रहेगी। बहुत अच्छा लोकेलिटी है, रेजिडेंशियल एरिया है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा फ्लैट्स है ये। और तो फ्रेंड्स ये था हमारा 3 BHK बिल्डर फ्लोर जो कि हमारा लक्ष्मी विहार मोहन गार्डन उत्तम नगर में है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेट्रो से काफ़ी नज़दीक रहेगा, द्वारका मोड मेट्रो स्टेशन से नज़दीक रहेगा। और जो फ्रेंड्स गुड़गांव जॉब करते हैं, नोएडा जॉब करते हैं, उनके लिए कनेक्टिविटी ईजी है। नोएडा के लिए यहाँ से मेट्रो आपका डायरेक्ट मेट्रो जाती है, और गुड़गांव के लिए गुड़गांव यहाँ से आपका 12 से 15 किलोमीटर रहेगा। आपका एयरपोर्ट 10 से 12 किलोमीटर है। और इंटरनेशनल स्कूल की बात करूँ
तो यहाँ से 1 से 2 किलोमीटर के बाद ही द्वारका, जिसमें एक से एक इंटरनेशनल स्कूल आपको मिल जाएंगे। मार्केट यहाँ पर नज़दीक रहेगी, हॉस्पिटल, क्लिनिक्स और एक्सेट्रा जो भी आपकी नीड्स होती हैं वो इस एरिया में आपको इजी मिल जाएंगे। और इसमें वाटर की बात करूँ तो समरसिबल आपको एक इसमें मिल रहा है, एमसीडी वाटर आपको मिल जाएगा, लाइट्स आपको 1 मीटर मिलेगा। तो इसमें अब मैं जो फ्रेंड्स अगर टॉप फ्लोर लेंगे उनको हम विद रूफ राइट देंगे, तो अभी मैं आपको विद रूफ दिखाता हूँ, रूफ पे भी ले चलता हूँ। अब चलते हैं अपने रूफ की तरफ। तो फ्रेंड्स अब हम अपने रूफ की तरफ आ गए हैं, ये हमारी रूफ रहेगी। और इसमें हमारी ये रूफ़ रहेगी पूरी, जो 80 स्क्वायर यार्ड, 85 सुपर एरिया, जो 85 स्क्वायर यार्ड की आपकी ये आपकी रूफ़ रहेगी। और इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेस है, ये हमारी शाफ्ट है, इसमें ऊपर आपका प्लास्टिक से शेड इसे कवर कर दिया गया है, बारिश नहीं जाएगी। और ये हमारे वाटर टैंक रहेंगे, 750 लीटर के टैंक रहेंगे, और जो दो आप ऊपर आपके रख दिए हैं मोमटी के। और फ्रेंड्स इसमें बता दूं, जो अगर रूफ़ राइट लेंगे ये आपका यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, आपका 80 स्क्वायर यार्ड का रूफ़ ये रहेगा और 50 स्क्वायर यार्ड का रूफ़ इस तरफ रहेगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 80 स्क्वायर यार्ड का 3 BHK बिल्डर फ्लोर, सुपर एरिया 85 स्क्वायर यार्ड। तो फ्रेंड्स मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ दूसरी है, कुछ और आपको चाहिए तो कमेंट्स में लिखें। तो अपना कीमती समय देने के लिए फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद।